नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जो चीज इंसान को जन्नत का हकदार बनाती है वो दो है, तक्वल्लाह व हुस्नुल खुलुक, कि बंदा अल्लाह का तकवा दिल में रखे, अल्लाह का तकवा इंसान को जन्नत का हकदार बना देता है। व हुस्नुल खुलुक, अच्छे अखलाक का बंदा हामिल हो, अच्छे अखलाक उसे जन्नत का हकदार बना देते हैं। फिर फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, व अक्सर मा युदखिलुन्नास अन्नार, सबसे ज्यादा जो दो चीजें जहन्नम में लोगों को पहुंचा देती हैं, अल अजवफान अल फम वल फरज, इंसान का मुंह उसकी जबान और दूसरा उसकी शर्मगाह, ये दो चीजें हैं जो आम तौर पर लोगों को जहन्नम रसीद कर देती है, जहन्नम का हकदार बना देती है। इसी की ताबीर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और अल्फाज में इस अंदाज से की है, मन यज़मन लि मा बैन लिहयैही व मा बैन फखिज़ैही अज़मन लहुल जन्ना, कि जो दो इन चीजों की जमानत मुझे दे दे के उनकी हिफाजत कर लेगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। वो दो चीजें क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैन लिहयैही व मा बैन फखिज़ैही, एक अपनी जबान की हिफाजत कर ले, दूसरा अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, नतीजे में मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। ये तमाम आयत और अहादीस हमें यही बताती हैं कि जबान एक इंसान के लिए फितना, यही उसे जहन्नम रसीद बनाने का जरिया बनती है, और इसी का सही इस्तेमाल इंसान को अल्लाह के यहाँ अल्लाह की जन्नतों का, अल्लाह की रजामंदियों का हकदार बना देता है। इमाम बगवी ने एक रिवायत पेश की है जिसको हसन बसरी रहमतुल्लाह ने मुरसल मारूफ तरीके से मुरसल मरफू रिवायत किया है। कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपनी जबान पकड़ी, फिर जबान छोड़कर कहा कि अतखौफ अलैकुम हाजा, कि मुझे इस जबान का तुम पर बड़ा डर है, मुझे डर लगा है कि ये जबान तुम्हें हलाक को बर्बाद कर सकती है, इसका डर मुझे बड़ा लगा है। फिर कहने लगे, रहम अल्लाह अब्दन काल खैरन वगनिम औ सकत अन सूइन फसलिम, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो अपनी जबान से भली बात कहे, अच्छी बात कहे और अजर सवाब का मुस्तैक हो जाए, गनीमतों का मुस्तैक हो जाए, या फिर वो अपनी जबान से कुछ न कह करके, बुराइयों से अपनी जबान को रोक करके खामोश रह जाए, सालिम सलामती पा जाए। तो इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस बात की हमें तालीम दी, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस अमल पर हमारे हक में अल्लाह की रहमतों की दुआएं की, वो ये है कि बंदा अगर किसी बात को भला समझता हो, किसी के हक में नफा बख्श हो, उसकी आखिरत बनाने वाली हो, किसी को फायदा पहुंचाने वाली बात हो, तो अपनी जबान खोले, बात करे, अजर सवाब का मुस्तहिक बने, और जहां पर ये अजर सवाब का मुस्तहिक ना बन सकता हो, भली बात ना हो, ना उसकी आखिरत का फायदा हो और ना ही वो किसी और को फायदा पहुंचाने वाली बात हो, खामोश रह जाए तो बुराई से बच जाएगा, गुनाह से बच जाएगा, गलत किस्म की बातों से बच जाएगा। इसी बात को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक और अंदाज से यूं ताबीर किया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस, कि जिसको अल्लाह पर ईमान है, जिसको आखिरत पर ईमान है, वो आदमी कहना हो, जबान खोलनी हो तो अच्छी बात बोले, भली बात बोले, या उसे खामोश रहना चाहिए, उसे खामोश रहना चाहिए, औलिया स्मुख, वो अपना मुंह बंद कर ले, जबान रोक ले, खामखा जबान का इस्तेमाल ना करे। तो ये हदीसें हमें ये बताती हैं कि अपनी जबान का इस्तेमाल, अपनी जबान से जो भी बातचीत है उतना ही करें, वहीं करें जहां पर जबान का इस्तेमाल हमें दुनिया और आखिरत में फायदा पहुंचा सकता हो, वरना जहां पर फायदे की उम्मीद ना हो, अपनी जबान को बंद रखें तो सलामत रहेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तकलीफ देने से बचेंगे, अल्लाह को नाराज करने से बचेंगे, खामखा अपने आमाल नामे में बेकार चीजों के इजाफे से बचेंगे।